सच में कार में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी कार को भाड़े पर चलाता हूँ, जैसे कि पार्टी पर्पस पे, या कहीं बारात जानी है, किसी का फलदान जाना है, या कुछ, या किसी को लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, तो वहाँ पर मैं अपनी कार को लेकर जाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रामकृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा न्यू इंटरेस्टिंग चैनल रामकृष्णा ब्लॉग। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप सभी हमारे वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ अपनी कार को झांसी लेकर के, और मेरी कार में 6-7 लोग आए हैं, और वो लोग हैं टीचर, क्योंकि दोस्तों जो अभी 10th के और 12th के एग्ज़ाम हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम यूपी के, उनकी कापियाँ चेक हो रही हैं, तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पर मैं आया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी जो कार है, यहाँ पर मैंने अपनी कार को पार्क करके रखा हुआ है, और ये सरकारी कोई स्कूल है इस जगह पे, ये पूरा बहुत बड़ा स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज है कोई सरकारी। तो इस जगह पे गाइस, मैंने अपनी कार को छाए में एक पेड़ के नीचे यहाँ पर पार्क करके रखा हुआ है, और मैं अपनी कार में बैठा हुआ हूँ। तो और यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, ये उन्होंने बताया है कि 4-4:30 बज जाएगा, यहाँ पे मुझे वेट करना होगा उनका, क्योंकि वो लोग तो चले गए हैं और मैंने सभी लोगों को अलग अलग जगह छोड़ दिया है, और मैं यहाँ पर अभी वेट कर रहा हूँ सभी लोगों का। उसके बाद जब वो लोग बाहर निकलेंगे, उसके बाद मैं उनको रिसीव करूँगा, और जहाँ से मैंने उनको रिसीव किया वहाँ पर मुझे ड्रॉप भी करना है सभी लोगों को। तो पार्टी पर कार चलाने का एक मकसद यही होता है दोस्तों, कि अगर आप पार्टी पर कार चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने अपनी कार को पार्क करके रखा हुआ है, और यहाँ पर खड़ी मेरी कार, और यहाँ पर पेड़ों की छाया के नीचे मैंने कार को पार्क किया हुआ है, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो उसकी वजह से कार की जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इसीलिए मैंने अपनी कार को छाया में पार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे 4-4:30 तक उनका वेट करना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। तो दोस्तों, ये होता है पार्टी पर अगर कार को चला रहे हैं तो कंटिन्यू कार को चलाइए। आप अगर कार को घर पे खड़ा करके रखेंगे तो उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, ना कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपने अगर कार को परचेस किया है तो चलाने के लिए परचेस किया है। जैसे कि मेरी कार है, तो मेरा यही बिजनेस है, यही मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मैंने अपनी कार को इसीलिए ख़रीदा था कि जगह जगह तो एक तो घूमने के लिए मिल जाता है, और जगह जगह जो मंदिर वगैरह होते हैं, पार्टी लेकर जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा घूमना हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं, और साथ साथ में हमें सभी जगह का माहौल पता चल जाता है। तो एक तो ये फ़ायदा है, प्लस आप उससे अर्निंग भी कर रहे हैं, अपना शौक भी कर रहे हैं, और अगर बच्चों को लेकर कहीं पिकनिक पे जाना है तो उनको उनको भी साथ में लेकर के आप कहीं भी पिकनिक पे जा सकते हैं। तो ये कार बहुत बेटर है दोस्तों आपके लिए, ईको। और क्योंकि मेरे पास ये कार 3 साल से है, मैं अपनी कार को 3 साल से चला रहा हूँ इसी रोटेशन में, पार्टी पर्पस पे वो चलती रहती है कंटिन्यू। हमारी कार महीने में 10-12 दिन चल जाती है, तो उससे हमारा खर्चा निकल आता है, और अभी फिलहाल में मेरी कार की कोई EMI भी नहीं बची है, EMI सारी क्लियर हो चुकी है मेरी कार की, लेकिन वो EMI मैंने घर से पे की है, क्योंकि कार में आप जानते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। कार अगर 2 दिन चल जाती है तो 10 दिन रखी रहती है, तो कार का रोटेशन कंटिन्यू नहीं चल पाता, क्योंकि पार्टी पर चलती है कार। अगर आप कहीं कार को फिक्स करके रखेंगे तो वहाँ पर आपको मंथली इनकम होती रहेगी, उससे आपका खर्चा भी चलता रहेगा, और कार की जो कार का जो खर्चा है वो भी निकलता रहेगा। तो मेरी कार बस इसी हिसाब से चलाता हूँ पार्टी पर, जब पार्टी आती तभी लेकर के मैं कहीं जाता हूँ अपनी कार को। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी कार को कैसे चलाते हैं। अब बस कार में बैठे बैठे वेट करना होता है, और एक तो क्या है कि नींद भी नहीं आती है कार में, क्योंकि दोपहर का टाइम है, और थोड़ा सा माहौल देख करके मैं कभी ज़्यादा कार में सोता नहीं हूँ, क्योंकि चाहे वो नाइट हो चाहे वो दिन हो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, और सपोज मेरे पास और भी चीज़ें जैसे फ़ोन वगैरह है, और चाबी है कार की, और पर्स वगैरह है, तो ये सब चीज़ें कार में रखी रहती हैं, और गर्मी का टाइम है तो कांच को बंद नहीं कर सकते ये वाले, इनको खुला करके रखना होता है, क्योंकि हवा नहीं आएगी तो आपको गर्मी लगेगी, हवा आती रहेगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। रिसेंटली अभी तो क्या, अभी मौसम ठंडा है तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जब अप्रैल मई का महीना आएगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा अपनी कार को जहाँ भी ले जाए पार्टी पर, तो सबसे पहले अपनी कार को ऐसी जगह पार्क करना जहाँ पर धूप ज़्यादा ना हो, छाए हो, चाहे थोड़ी दूरी हो जाए, लेकिन अपनी कार को छाए में रखना है, जिससे कि
कार की बॉडी गर्म ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मैं अपनी कार की केयर करता हूँ और गाड़ी को मैं कभी घर पे खड़ा नहीं रखता हूँ। जो भी पार्टी आती है, 100-200 रुपये अगर कम भी मिलते हैं तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर कार को आप घर पे खड़ा करके रखेंगे तो जो पैसे आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी कार को पार्टी पर लेकर जाएं, जहाँ भी जाएं सुरक्षित जाएं और थोड़ा सा अपना हिसाब किताब लगा लें, उसके बाद ही जाएं। बस आपको उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को नुकसान हो जाता है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना मेंटेन जो भी है करके रखें, दूरी डिस्टेंस जो भी है सारा कुछ देख करके उसके बाद ही पैसे बताएं। अगर पार्टी ने 100-200 रुपये आपको कम भी दे दिए तो आप वो भी रख लें, जिससे कि आपको नुकसान ना हो और उसको भी नुकसान ना हो, क्योंकि पार्टी से ही आपकी कार चलती है और आप पार्टी पर्पस पे ही कार को चलाते हैं। तो बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आपके पास अगर कोई पार्टी आती है तो पार्टी को लेकर जाएं, रुके ना, क्योंकि जो आए हैं वो आपकी आने दीजिए, रुकनी नहीं चाहिए। पैसा आ रहा है, आपकी जेब से पैसा खर्च तो नहीं हो रहा है ना। तो बस, तो दोस्तों होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप सभी लोग हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाएँ। दोस्तों तो मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।